ऐसे की बाइट टूट हम अगर रख दूंगा कोई बात नहीं रख देना तो बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़े विस्तार नाल आ 6वें सेंटर बारे गल कीती ते पुराने जिहड़े सेंटरां बारे भी गल कीती। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी किते भी कुछ मानता उन्हें को मुश्किल आए सब तो पहले अगे होके वो सेवा च लग जाती है। जदों नेपाल विच अर्थक्वेक आया सब तो पहले पहुंची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जे गुजरात में भूचाल आया सब तो पहले पहुंची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जे मद्रास में सुनामी आई सब तो पहले पहुंची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आ सेवा सिख कौम नूं गुरती गुरु साहबान ने दिती है। मैं धन्नवादी हाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, खास करके प्रधान साहब बीबी जगीर कौर जी का। मैं इन्हों 20 दिन पहले गल की तो असी 20 दिनों के अंदर आ 6वां सेंटर खोल दिता। आ जिहड़े सेंटर है मैं सारिआं नूं बेनती करदा जे तुहानूं तकलीफ है तुसी इमीजिएटली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेंटरां पहुँच जाओ। थोड़ा सारा इलाज उत्थे होऊगा, सारी दवाई, सारे इंजैक्शन, ऑक्सीजन सैकेंड लैवल तक सारी सेवा असीं करांगे। जे तुसीं घरे रहोगे नुकसान हो जाना है। आ जिहड़ा बलाडा हलका है मैं बीबी जी नूं दसना चाहना जमा बॉर्डर का इलाका है। इस इलाके में सेहत सहूलतां बहुत घट है। बड़ी खुशी है कि अज तुसीं इत्थे सेंटर खोलिया। मैं बेनती की हरसिमरत कौर बादल ने भी बीबी जी नूं बेनती की कि आ जिहड़ा बॉर्डर का इलाका है इत्थे बहुत घट सेवा है, लोकी बहुत पिछड़े है तो इत्थे ज़्यादा करोना वध गया। पिंडां 'च मैं पता कर रहा सी पिंडां 'च बहुत ज़्यादा करोना वध गया। सो इस करके अज असी सेंटर खोलिया तो मैनूं पूरी आस है कि तुसीं इहदा फायदा लोगे। ये तो पहले ही मैं हुणी मानसा हरसिमरत कौर बादल मैंबर पार्लीमेंट तरफों तो मेरे तरफों असी अपना निजी अपने श्रोमणी अकाली दल दफ्तर च एक तो करोना मरीज़ों वास्ते सेवा लंगर सेवा शुरू की है, नाले उत्थे असी ऑक्सीजन सेवा भी शुरू कर दी मानसा शहर दे विच जो मानसा के बाकी सरदूलगढ़ ते मानसा वास्ते असी साढ़े कोल ऑक्सीजन के कॉन्सनट्रेटर असी रख दिते उत्थे ते जिनू भी ऑक्सीजन की घरें भी लोड़ है। फॉर एग्जाम्पल जे लोड़ है तो इत्थे तो पहुँच ही जाना है। जे इत्थे घरें तुसीं नहीं आ सकते तो तुहानूं घरें लोड़ है साढ़े उत्थे टैलीफोन कर दिओ। साढ़े पार्टी के वर्कर तुहाडे घरें जाके मशीन फिट करनगे। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ऑक्सीजन ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। मैं आ सेवा लंबी हल्के भी शुरू की है तो कई हल्कों में मैं शुरू कर दी है। मेरी कोशिश है कि सारे पंजाब में असी श्रोमणी अकाली दल के वर्कर जितों जितों साधना नहीं जो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मिल जाते हैं वो सेवा अपने हल्कों करो। मैं बड़ी खुशी है कि मैं बेनती की सी श्रोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज नूं कि तुसीं लंगर सेवा करो। जिहड़े हल्के जिहड़े तुहाडे हल्कों परिवार है जिहड़े लंगर पका नहीं सकते कोविड करके, बड़ी खुशी है तकरीबन 65 हल्कों में आ सेवा शुरू हो गई है। डेली हर हल्के 500 तो 1000 परिवारां नूं लंगर की सेवा चल रही है। अज मैं लोड़ है आपां नूं इकट्ठे होकर लड़ाई लड़न दी। मैनूं इस गल का दुख है पिछले 15 दिनों तो मैं इक्को एक गल पंजाब के मुख्य मंत्री नूं बेनती कर रहा पर मैनूं हैरानी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 15 दिनों उस गल तरफ परवाह ही नहीं की। मैं बेनती की मुख्यमंत्री ने 15 दिन पहले तो मैं रोज़ करता जो भी सेंटर खुलता करता है मुख्यमंत्री जी प्राइवेट हस्पताल प्राइवेट टैसटिंग लैब्स 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार रोज़ का लै रही है। गरीब नहीं इन्ना पैसा अफोर्ड कर सकता। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ क्योंकि बेचारे गरीब डरते हैं कि जे असी हस्पताल जावांगे नाले साडा पैसा चले जाऊगा नाले साडियां मौतां हो जाणगीआं। मैं बेनती करना चाहना है जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा कर सकती है इस मौके आ नैशनल कलैमिटी है, मुख्यमंत्री जी नूं इहनूं नैशनल कलैमिटी डिकलेयर करके सारे जिहड़ी जिहड़ी सेवा अपने हस्पताल का इलाज है सारा मुफ्त कर देना चाहिए। वध तों वध की 200 करोड़ लग जूगा, 300 करोड़ लग जूगा। तुसीं देखो किन्नियां जाना जिहड़े बेचारे गरीब पिंडां 'च मैं कई पिंडां 'च मैं गल कीती है गरीब घरों निकल ही नहीं रहे, उदों ही पता लग जाए जदों उन्हां दी मौत हो जाती है। क्यों डरते हैं? पैसे करके डरते हैं, बेचारे कोल पैसा है नहीं, पाले कोल होर साधन है नहीं। तो इस करके मैं मुख्यमंत्री नूं बेनती करदा है होर काम भावें सड़कां असीं ना बनाओ दूजी नहीं बनाओ, घट तो घट गरीबां वास्ते जिहड़े गरीब है उन्हां वास्ते इलाज मुफ्त कर दो। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज मुफ्त कर दो। हस्पतालों कहो कि तुसीं मरीज़ों नूं दाखिल करो, पैसा असीं देवांगे पंजाब सरकार देगी। मैं बार बार आई बेनती करदा है पर मैं हैरान है। मैं कांग्रेस के प्रधान जाखड़ नूं भी कहना चाहना है आ लड़ाई तुसीं रोज़ लड़दे हो, लड़ाई बंद कराओ तो इस तरफ लगो। कांग्रेस के सारी लीडरशिप नूं, मंत्रियों नूं, MLA नूं बेनती करना चाहना है कि तुसीं अपनी सरकार नूं कहो, तुसीं कहो जे साडे तां अखे लगणी नहीं जान के सोचदे है, तुसीं कहो कि अस मुफ्त कीता जाए इलाज क्योंकि नहीं तो बहुत वड्डा नुकसान हो जाना। अज जिहड़ी पंजाब दी हालात होर भी बिगड़ गई है, अज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो गई पंजाब। गैंगस्टर अज खुले शरेआम फिर रहे पंजाब। जिवें पहले आपां सुनदे हुंदे सी यूपी ते बिहार दा हाल, ओ जा हाल अज पंजाब च हो गया। पंजाब पुलिस बिल्कुल ही घरे बह गई है क्योंकि पंजाब कोल पुलिस नूं चलाउण लग गए है कांग्रेसी MLA। कांग्रेसी MLA डिसाइड करदे किहड़ा SSP बनना है, किहड़ा SHO बनना, किहड़ा DSP लगना है। हो की रहा है हुण जो MLA DSP ते SHO लाउंदे है वो कला रिपोर्ट करते हैं MLA नूं ते MLA रले आ गैंगस्टर नाल। अज की हो रहा मैं मैनू रोज़ घट तो घट 100 टैलीफोन आ रहा मंडिया चों, अलग अलग मंडिया चों। मानसा मंडी चो आया मैनू, उत्थे अपने फिरोजपुर मंडी चो भी आया, सारी मंडिया जा रहा। की हो रहा आ गैंगस्टर टैलीफोन करते हैं व्यापारियों नूं जिन्हां कोल कोई पैसा, डॉक्टरां नूं, ते उन्हां नूं कहिंदे जां पैसा 2 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, नहीं तो असीं तुहानूं थोड़े बच्चे नूं किडनैप कर लांगे या तुहानूं मार दांगे। बेचारे डर के दे ही जांदे है, वो जान के डर के पुलिस नूं भी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है पुलिस ने कुछ करना नहीं है। अज हालात मेरे को हुण इन्ना वध गया है मुख्यमंत्री जी, जय जी हालात बन गई है ऐ जे लुट खो चली है, लोग घरों रहनों डर लग गए है, परिवार भी डर लग गया क्योंकि गैंगस्टर ने इन्नी दहशत पाती है। सो आ हालात गैंगस्टर वाली बहुत बिगड़ी है, खास करके करोना की बीमारी सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। हुण भी चाहे जे SGPC 15 दिन च कर सकती है, हुण भी चाहे सरकार कंट्रोल लैके जिहड़ी हज़ारां जानां बचा सकती है जे आ सेंटर होर ब्लॉक लेवल ते मैं कल कहा सी जे ब्लॉक लेवल ते आ सेंटर खोलन। प्रधान साहब जिहड़ा SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ SGPC ਨੂੰ ਤੇ बीबी जगीर कौर जी ਨੂੰ। इंडियन मेडिकल एसोसीएशन जो हिंदुस्तान की सारे डॉक्टरों की एसोसीएशन है, अज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बीबी जगीर कौर जी को SGPC को कि थोड़ा धन्यवाद कि जो सेवा तुसी संभाली है, जो मानवता की तो कोविड लड़ाई दे विच तुसी काम कीता है, तुहानूं असीं बधाई देना चाहुंदे हां। देखो इंडिया की संस्था हिंदुस्तान के सारे डॉक्टरों ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, किते तुसी कांग्रेस का कोई मंत्री किसी पिंड च देखिया, किसी हस्पताल देखिया, किते कोई सेवा लंगर सेवा करता देखिया? नहीं। उन्हां दा काम है निशाना लुटना। रेता माफिया बने फिरदे है, शराब माफिया बने फिरदी है, आ जिहड़ा अपना ड्रग माफिया बने फिरदे है। आ लड़ाई की है? कैप्टन साहब नाल लड़ाई की है? सारे क्यों लड़ाई है? हुण उन्हां नूं पता लग गया कि सरकार हुण गई, ਜਿਹੜਾ पैसा लुटिया गया ਹੁਣ दूजी सरकार ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਢਾਊਗੀ। ਹੁਣ डरे बैठे है, आ लड़ाई पैसे की है। तो मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ करना, चलो 4 साल लुट लिया, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ आ 6 महीने दिन रात मेहनत करके सरकार ਤੇ ਮੰਤਰੀ कोविड की लड़ाई लड़। ब्लैक फंगस एक होर बड़ी वड्डी बीमारी चल पई है, जिहदी इलाज है कि उत्थे इंजैक्शन एक लोड है। वो इंजैक्शन की कीमत तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये है रोज़ का, वो रोज़ लाउणा पैंदा है। सो जे सरकार ने ना इंतजाम किया हज़ारां मौतां हो जाणगीआं। मैं सरकार नूं बेनती करना चाहुंदा कि एक तां ब्लैक फंगस दा इंजैक्शन दा इंतजाम करन, दूजी गल वो इंजैक्शन नूं मुफ्त कर देन, क्योंकि 10 हज़ार रुपये रोज़ दा गरीब नहीं ला सकदा। तो इस करके आ सरकार को जो पैसा है, खजाना है, वो जनता का पैसा है। कोई सरकार ने अपनी फैक्ट्री नहीं है जी आमदन आई है, जनता का पैसा है। सो जनता वास्ते, जनता इन बचाने वास्ते सब तो पहले खजाने का पैसा कोविड वास्ते, ब्लैक फंगस के इंजैक्शनों लिया वास्ते, दवाइयां लिया वास्ते, ट्रीटमेंट वास्ते लाना चाहिए। SGPC वाली वैक्सीन मैंने लगता 1 या 2 दिन पहुँच रही है, पहुँच गई। अच्छा, हुणी डॉक्टर साहब ने दसिया खुशी नाल कि जिहड़ी वैक्सीन है SGPC ने जो 4 दिन पहले असी अनाउंस किया सी, अज गुरु रामदास हॉस्पिटल पहुँच गई है। देखो जे असी SGPC वैक्सीन 4 दिन मंगा सकती है, पंजाब सरकार कित्थे की काम कर रही है, मेरा सवाल है। थैंक यू।